स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जीके पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज हम आपको एक ऐतिहासिक स्थल डाडरिया चरणान में रामदेव जी के मंदिर पर लेके आए हैं और यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन है बाबा की याद में। तो आज हम आपको उस मेले के दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ इस मंदिर के इतिहास से जुड़े जो भी रोचक तथ्य हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। तो बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, चलते हम मेले के अंदर। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं आपको बाबा जी से परिचय करवाता हूँ कि बाबा जी इस धाम में कहाँ से चल के आए हैं। तो बाबा जी से बात करते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है बाबा जी आपका? मारो भी यहाँ भेस को नाम गुरुनाथ है। अच्छा, गर्गस्थी को जगदीश है, जय शंकर। तो इनका जो नाम है वो जगदीश है, और कहाँ से आए हो आप? लूंच। ये लूंच है वो चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में गाँव पड़ता है, और वहाँ से ये आ रहे हैं। कितने वर्षों से लगभग इस मेले में आ रहे हो आप? हाँ, हो गया 20 साल लगभग। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि भाई 20 वर्ष से लगातार बाबा की इस धाम से जुड़े हुए हैं, और अपने साथ ये सुरमई बांसुरी रखते हैं। तो ये अपने को अभी बांसुरी बजाकर सुनाएंगे, तो आपको अम्मी ये तरह तरह की धुन निकाल के सुनाएंगे। तो सुनाए बाबा की वास्तव में बड़ी ही सुरमई आवाज़ है इस बांसुरी की जो आपको देखने को मिली। और ऐसे ही और तरह तरह के भक्त यहाँ पे दूर दूर से चल के आते हैं, और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है और उनका विश्वास
है कि यहाँ पे आने से उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होगी, और ऐसा होता भी है। तो बाबा के दर पे जो भी चल के आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। दोस्तों अभी हम है वो जो मुख्य भगत जी थे श्रीमान मोटाराम जी नायक, उनकी समाधि स्थल पर हैं, और उन्हीं के सुपुत्र श्रीमान घिसाराम जी नायक है वो अभी वर्तमान में भगत हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और इनकी स्थापना कब हुई थी, तो सारा कुछ है वो इन्हीं से जानेंगे। और अभी जो हम खड़े हैं वो श्रीमान मोटाराम जी नायक की प्रतिमा है और इन्हीं की ये समाधि है। तो दूर दूर तक इनका नाम फैला हुआ है, लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस मेले में बाबा के यहाँ अपनी मन्नत लेके आते हैं, और उनकी इच्छा जो भी इच्छा लेके आते हैं वो सारी पूरी होती है। तो इनसे बात करते हैं कि मंदिर की स्थापना को कितने वर्ष हो गए हैं। तो बात करते हैं, अपना मंदिर कितना पुराना है वो? 60 पुराना है। तो इनका कहना है कि जो ये मंदिर है गाँव ढाडरिया चारनान का बाबा रामदेव जी का, तो ये है लगभग 60 से 65 वर्ष पुराना है, और इसकी स्थापना है वो इन्हीं के पिताजी श्रीमान मोटाराम जी नायक ने की थी। और तभी से जो भी मन्नत लेके कोई भगतगण आता है उन सब की मन जो इच्छाएं हैं जो भी अपनी मन्नतें लेके आते हैं वो सारी पूरी होती है। तो कहाँ कहाँ से अपने यहाँ श्रद्धालु आते हैं? हरियाणा हो, राजस्थान पूर्वा हो। तो यहाँ पे हरियाणा से और राजस्थान से अपने, हाँ, गुजरात से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दूर दूर से श्रद्धालु है वो यहाँ पे आते हैं। और बाबा का ये बड़ा ही विशाल स्थान है, और हर वर्ष यहाँ पे एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो मेले का जो आयोजन है वो कौन से महीने में किया जाता है? माह के महीने में। इस मेले का आयोजन है वो माह के महीने में किया जाता है, ये अभी माह ही चल रहा है। तो माह की जो शुक्ल पक्ष की दशमी है उससे ये मेला स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 3 दिन का ये मेला है वो भरता है, और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर जब कभी भी ढाडरिया चारनान आते हो तो एक बार इस मंदिर का विजिट अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये बाबा का स्थान। तो एक बार अवश्य आएं, और इसका जो इतिहास है वो भी बहुत ही सुरम्य है। और अभी मैं आपको इस मंदिर के बाहर की ओर लेके चलता हूं कि पीछे कैसा है दृश्य। ये मंदिर के चारों ओर फेरी लगाने के लिए स्थान बनाया गया है, और टीले के अंदर इस बाबा की समाधि का ये स्थान है, बहुत ही आनंदमय है।